कैसे भी मुलाकात कैसे भी पहली आप दोनों की? यार ये भी नहीं से पूछ लो यार, मैं जो आपके अंदर, मुझे लगता है आपके अंदर का जो इनसे बहुत हमदर्दी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं, एक मिनट आप बताएंगे, नहीं आप बताएंगे आपको मुझसे मतलब नहीं, मतलब क्यों 26 साल से मुझे तुम भुगत रही हो, इसलिए कह रहा हूं। हां ये तो है वैसे। अच्छा फौरन तो कह रहा हूं मैं, ये तो है वैसे। अच्छा अच्छा फौरन ना उन्होंने पहले कुछ कहा था, लेकिन जब आपका मूड उन्होंने कहा 26 साल से मुझे भुगत रही है, पहले कहने लगे थे मैं भुगत रहा हूं, मुझे भुगत रही है। देखो ये हम समझ गए कि ये आपस की नहीं हो रहा, हम समझ गए। सीधी बात है, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, कोई कहीं जाए ना सवाल करते हैं कि जी आप लोगों की लड़ाई तो नहीं होती। मैंने कहा देखें, जो ये बोले कि लड़ाई मियां बीवी में नहीं होती, वो झूठ है। सही है, हाँ। क्योंकि आप दो अलग इंडिविजुअल्स हैं, आप अलग अलग घरों से आए हैं, तो आपका अलग ब्रॉटअप है, अलग पर्सनैलिटी है, नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लड़ाई मतलब वो हाथापाई नहीं, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर, एंड इफ यू लव समवन दैट यू हैव टू एक्सेप्ट यू नो दैट द डिफरेंस। नहीं मुझे लगता है कि कैसे भाई बहुत कॉम्प्रोमाइज करते होंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर। देखें मर्द मर्द की साइड लेता है, और तुम भी करते होगे बेटा घर पे जाके। नहीं मैं जो हूँ ना, मैं क्योंकि बोल देती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है, कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार। अच्छा वो फिर एक ही बार, बस जब डांटते तो फिर एक ही बार होता है। डांटती अब शुक्र है डांटती बोल रहा हूँ, मारने की बात आइए ये अच्छी बात नहीं, हम बहुत सवाल ही नहीं होता, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको पता है मैं मेरा एक नेचर है, नहीं सीरियसली मेरा एक नेचर है, वो कैसर को भी पता है, और मैं बहुत बहुत एक स्ट्रेट बात करती हूँ, जो चीज़ मुझे या तो है या नहीं है, मतलब मेरे पास कोई इन बिटवीन नहीं है, प्यार है नहीं है, मोहब्बत है नहीं है, रिश्ता है नहीं है, बड़ी मुश्किल बात है, तरह वाली बात है। कैसर भाई बहुत तो मुश्किल बात जो चीज़ नहीं चाहिए वो मैंने कैसर को बोला, हालांकि मैंने सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है इनके साथ, लेकिन लेकिन मैंने इनको ये बात शादी पे बोली थी पहली दफा, वो वैसे ही चुप करके बैठ गए, बोले कि मैं बोलता ही नहीं यार, ये बोल ले मैं बोलता ही नहीं हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं ये घर जाके बोलेंगे तो मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा कि यार आप हमको बोले देंगे तो बोलेंगे ना, आप बोलने नहीं दे रही हैं, आपको हम दोनों को एक साथ बुलाया कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये मेरे क्या, अच्छा ये पता नहीं आपको बोलने के लिए दे रही है कैसे, ये देखिए मुझे कैसे बोल रहे हैं, ओए खामोश बैठो देखिए। अच्छा नहीं नहीं आप समझ नहीं, मैंने कैसे को पहले ही दिन बोला था, टू बी ऑनेस्ट हम जहां मैं हैदराबाद में नहीं, पैदा हुई हूं, मैं वहां रहती थी। नहीं आप मिले कहां पे थे मुझे ये बताएं, और कैसे भाई यार मैं बता रहा हूं ना, एक प्ले था उसका नाम था आरजू, ठीक है, फातिमा सुरैया बजिया साहब का था, चौधरी एहसन साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, कमर्शियल डायरेक्टर है, ठीक है, तो उन दिनों NTM नया नया आया था, तो हम लोग रिहर्सल्स पे जाते थे, तो इत्तेफाक एक दिन मेरे ख्याल है इनको कन्विंस की जरूरत थी, तो बजिया मुझे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ हूँ, तो बजिया कहने लगे आए बेटा तुम कहाँ रहते हो, मैंने कहा बजिया मैं तो क्लिफ्टन की तरफ, अरे ये बच्ची वहीं रहती है तो उसको छोड़ देगा, मैंने कहा बजिया मैं छोड़ दूंगा, बजिया ने अपनी जिम्मेदारी पे यही मौका इन्होंने ढूंढा, मौके का फायदा उठाया, मौके का फायदा उठा लिया, बहुत शरीफ मिस्कीन बन के इन्होंने मुझे घर तक छोड़ा यार मैं। अच्छा इसके बाद आगे सुन लेना, आगे सुन ले। अच्छा फिर, हाँ, फिर बस वहीं से इन्होंने मुझे पटा लिया और बाद में एक बंदे ने मुझे बताया, बाद में बंदे ने ये अच्छा है, ये बाद में एक बंदे ने मुझे बताया की बात तुम बताओ, नहीं कैसे अभी बात चीजें नेचर की तरफ बताने से पहले मेरी बात नहीं, पहले आप बता दे, खत्म तो होने दो बात यार, बाद में एक बंदे ने मुझे बताया कि जब मैंने तुम्हें घर पे छोड़ा उसके बाद मैंने घर जाके अपने दोस्त को फोन किया और उसको क्या बोला, अबे कौन से दोस्त हो, ठीक है मैंने क्या बोला, ओके ठीक है आप ना बताएं फिर मैं बाद में बताता हूँ। देखो बात चीजें नेचर की तरफ से होती है, कुदरत करती है, वो ड्रामा नहीं बना, आपका कोई हाथ नहीं था इसमें, वो ड्रामा नहीं बना उन दिनों, सुनो मैं सच बता रहा हूँ वो प्ले नहीं बना। अरे उसके एक साल बाद मैंने बजिया को फोन किया, मैंने कहा एक या दो साल बाद, मैंने कहा दो साल बाद मैंने कहा बजो मुझे प्ले ड्रामा बनाना, क्या बेटा वो आरजू तू बना ले, मैंने कहा मुझे दे रही है आप, उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दे दिया, और जो कैरेक्टर फजीला कर रही थी मैंने उनसे वही कैरेक्टर करवाया, और जो मैंने करना था मैंने पता नहीं किसी और से करवाया, एंड दैट वाज माय डायरेक्टोरियल डेब्यू, ओके प्रोडक्शन डेब्यू, मतलब उस वक्त तक मुझसे शादी कर चुके थे, ठीक है, और वो प्ले पर मुझे बनाना पड़ा, ठीक है मैं वही कह रहा हूँ ना कुदरत, ये उसमें मिलना आप लोगों का मकसूद था, लेकिन काम नहीं हुआ, हुआ लेकिन मिल गए आप दोनों, हाँ। ये तो है, ये अल्लाह की तरफ से होता है।
आपने बोला ना अभी मुझे, आपने बताने नहीं दी तो अब मैं आपको ऐसी बातें करूंगी। वो कह रहे अच्छा हाँ। मैं घर जाके बताऊंगा भैया। नहीं नहीं आपने मुझे बताया नहीं ना आपने इनको कि आपने अपने दोस्त से क्या कहा था। कौन से दोस्त? अच्छा फिर बस ठीक है, भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इन्होंने खुद ही मुझे कहा था, मैंने उनको अपने दोस्त को कॉल करके बोला यार मैं फजीला काजी को उसके घर छोड़ कर आया हूँ। यार बात सुनो, मैं भी उस वक्त कोई कम नहीं था, मेरा भी प्ले हवाएं मारवी और पता नहीं मैं भी बड़ा एक्सक्यूज मी वो शादी पे हुआ था मारवी, जब आप हवाएं शादी के जमाने में हो रहा था। अच्छा यानी लकी ये साबित रही है आपके लिए जी, ये भी देखना कि आप मारवी और सब भाई देखिए मानना तो उनको पड़ेगा। अच्छा भाई ठीक है मान लिया ना, मानना तो पड़ेगा, मान लिया बस नेक्स्ट मान लेना। इतने सालों बाद भी अगर बंदा ना माने तो क्या फायदा ऐसे आदमी के साथ इतने साल तक रहने का। तुम अपनी सुनाओ ऐसा जरा, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है ये ऊपर से आपको यार कैसे। मैं समझ गया हूं। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।